हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वेयर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फॉन्ट कल्पना। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथश्च हिम फॉन्टकौ नेयाः कषायाः पञ्चैते लघवः शु यथोत्तरम्। ये कोटेशन आपको लर्न कर लेनी है। ये मैंने स्वरस में भी आपको बताई थी, यानी कि पांच पंचविध कषाय कल्पना होती है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांड। उसमें से जो स्वरस है वो सबसे ज़्यादा गुरु है, और जैसे ही हम स्वरस से फांड की ओर जाएंगे वैसे उसमें लघुता आती जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा गुरु होगा स्वरस और सबसे ज़्यादा लघु होगा फांड। फांड निर्माण विधि, क्षुणे द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत मृतपात्रे कुड़वन मानम ततस्तु स्त्रावयेत पटात। यानी कि जो हमें द्रव्य लेना है वो हमें कितना लेना है, एक पल, और जो भी जल लेना है वो एक कुड़व, यानी कि चार पल हमें लेना है। तो यहाँ पे द्रव्य और जल का रेशियो कितना हो गया, 1:4 हो गया, ठीक है। और जल हमें कैसा लेना है, उष्ण जल हमें लेना है। और कौन सा पात्र हमें यूज़ करना है, मिट्टी का पात्र यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा क्या क्या इक्विपमेंट हमें चाहिए वो। फिर हमें क्या करना है, जो भी हमने द्रव्य लिया उसको हमें गर्म पानी के अंदर सोख करके रख देना है 5 से 10 मिनट तक। फिर हमें क्या कर लेना है, फिर उसको हमें उसमें से निकाल के फिल्टर कर लेना है, और हमारा जो भी एंड प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फांट बोलेंगे। अब हम देखेंगे वो जो हमने देखी वो शारंग संहिता की देखी। ये श्लोक हो सके तो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे चरक संहिता में, क्षिप्त उष्णतोय मृदितम तत्फांटम परिकीर्तितम। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया कि उष्णतोय हमें लेना है, और जो भी द्रव्य है वो लेंगे और उससे चार गुना पानी लेंगे, गर्म पानी में उसको हमें डाल देना है, फिर अच्छे से उसको रब कर देना है, फिर जो भी एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फांट बोलेंगे, ठीक है। फांट की मात्रा क्या बताया गया, द्विपल। सशा चूर्ण द्रव फांटस तन्मानम द्विपलोन्मितम। क्वाथ के भी द्विपल ही थे, तो पर यहाँ पे MCQ क्या बनेगा कि चूर्ण द्रव है वो किसका सिनोनिम्स है, तो तब आपको क्लिक होना चाहिए कि ये तो फांट का सिनोनिम है, ठीक है। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए कि चूर्ण द्रव इज द सिनोनिम्स ऑफ फांट, और इसका डोज कितना है, जितना क्वाथ का है उतना, यानी कि 2 पल। अब फिर हम देखेंगे उसकी प्रक्षेप मात्रा, मधु श्वेता गुड़ा दिश्च क्वाथवत तत्र निक्षिपेत। यानी कि मधु है, श्वेता है, गुड़ है, तो वो सब क्वाथ में जितना डालेंगे उतना ही हम उसको डालेंगे। तो क्वाथ में हम कितना डाल रहे थे, तो अगर वात है, पित्त है और कफ, तो इसमें हम दोष, कौन सा दोष इन्वॉल्व हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। वात है तो उसमें हम सीता कितना डालेंगे, 1/4 पार्ट। पित्त में दोनों सेम रहेगा, सीता और मधु दोनों पित्त में सेम रहेंगे। और कफ विकार है तो 1/16 पार्ट और हनी यानी कि मधु कितना डालेंगे, 1/4 पार्ट, ठीक है। तो ये अगर आपने क्वाथ कल्पना मैंने जब करवाई तभी आपने लर्न कर लिया होगा तो अभी ये आपको याद ही होगा, ठीक है। और तब अगर आपने लर्न नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी आप लर्न कर लेना। फिर प्रक्षेप द्रव्य, ये भी हमने क्वाथ कल्पना में देखा था, जीरकम गुगुलम क्षारम लवणम च शिलाजतु हिंगु त्रिकटुकम चैव क्वाथेषाण उन्मितम क्षिपेत। यानी कि क्वाथ में अगर हम प्रक्षेप के तौर पर जीरक डाल रहे हैं, गुगुलू है, क्षार है, लवण है, शिलाजतु है, हिंगू है, त्रिकटु है, तो वो सब अगर हम डालेंगे तो वो उसकी मात्रा हमने कितनी बताई थी, 1 क्षण। तो अगर फांट में भी हम प्रक्षेप के तौर पर ये सब डालेंगे तो उसकी मात्रा भी हमें कितनी लेनी, 1 क्षण, यानी कि 3 ग्राम ही लेनी है, क्योंकि ये सब जो भी है वो उष्ण तीक्ष्ण है और इसका डोज वैसे भी संहिता में कम ही बताए गए हैं, तो इसलिए हम इसका प्रक्षेप द्रव्य में भी कम मात्रा में ही यूज़ करेंगे। क्षीरम घृतम गुड़म तैलम मूत्रम चन्य द्रवम तथा कल्कम चूर्णादिकम क्वाथे निक्षिपित कर्ष सम्मितम। क्षीर, घृत, गुड़, तेल, मूत्र या फिर कोई भी अन्य द्रव, यानी कि कोई भी लिक्विड मीडिया यूज़ कर रहे हैं, या फिर कल्क है या फिर चूर्ण है, तो उसको हम कितनी मात्रा में लेंगे, 1 कर्ष। लेकिन अगर चूर्ण में त्रिकटु चूर्ण बोलेंगे तो उसको हम कितना लेंगे, 1 क्षण लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण है। और गुड़ हम कितना लेंगे, 1 कर्ष। पर अगर सीता और मधु बोला तो वातपित कफ के अकॉर्डिंग हमने आगे जो स्लाइड देंगे उस हिसाब से। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सब MCQ में आ सकता है। फिर बताया गया है कि यष्टि मधु फांड कैसे बनाएं। टेक 1 पल यष्टि मधु चूर्ण इन अ वेसल, एड 4 पल युक्त फॉर्म वॉटर इन इट,
कीप इट फॉर 5 to 10 मिनट्स देन फिल्टर इट विथ अ क्लोथ. द वॉटर दस ऑप्टेन इज नोन एज यष्टि मधुफांड. इट इज़ यूज फॉर इंड्यूसिंग वमन. क्योंकि हमें क्या करना है, यष्टि मधुफांड बनानी है. तो द्रव्य और जल का रेशियो कितना बोला था हमने, 1:4. तो द्रव्य क्या है, यष्टि मधुचूर्ण. तो वो हमें कितना लेना है, ले लेना है, ठीक है, जितना चाहिए इतना. फिर जितना हम चूर्ण लेंगे उससे हम 4 गुना क्या लेंगे, पानी लेंगे. पर पानी कैसा लेंगे, ल्यूकवॉर्म वाटर लेंगे, ठीक है, उष्णोदक लेंगे. फिर 5 से 10 मिनट तक पानी के अंदर हम ये मिला देंगे. फिर उसको क्लीन क्लोथ की मदद से हम फिल्टर कर लेंगे. फिर हमें जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यष्टि मधुफांड बोलेंगे. और उसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, वमन इंड्यूस करने के लिए करेंगे. फिर है मंत्र विधि. तो आचार्य शारंगधर है, उन्होंने शारंगधर संहिता में फांड का भेद ही बता दिया गया है मंत्र, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है, ठीक है. मंथो अपि फांड भेद शात तेन च अत्रैव कथ्यते जले चतुष्पले शीते क्षुणम द्रव्य पलम क्षिपेत मृतपात्रे मंथयेत सम्यक तस्मात् च द्विपलम पिबेत. यानी कि इसकी मात्रा भी क्या बताई गई है, द्विपल. और ये किसका भेद है, फांड का ही भेद है मंथ. ऐसा किसने बोला है, आचार्य शारंगधर ने बोला है, ठीक है. इसमें क्या करना है, जल है वो कितना लेना है, चतुष्पल, 4 पल लेना है. द्रव्य कितना लेना है, 1 पल लेना है. पर यहाँ पे जल कैसा हमें लेना है, शीत यानी कि ठंडा लेना है, ठीक है, कूल वाटर लेना है, कोल्ड वाटर लेना है. जबकि हम फांट में क्या ले रहे थे, उष्ण वाटर ले रहे थे, ठीक है, उष्णोदक ले रहे थे. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी कि आचार्य शारंगधर ने फांट का ही भेद बताया गया है मंथ को, लेकिन मंथ में शीत जल का बोला है और फांट में हम उष्णोदक यूज़ करते हैं. या और फिर प्रोसेस सेम ही है, इसमें सिर्फ हमें क्या लेना है, शीत जल लेना है. फिर थोड़े टाइम के लिए हमें उसको अंदर भिगो के रखना है, फिर रब करके निकाल लेना है, फिल्टर करना है, कर लेना है. और उसका जो डोज है वो कितना बताया गया है, 2 पल है. फिर उसके एग्जांपल है बृहत मधु पुष्पादि फांट है, आम्रादि फांट है, यष्टि मधु फांट हमने देखा. फिर है लघु मधु पुष्पादि फांट. मंथ के एग्जाम्पल में खजूरादि मंथ है, यवसक्तु मंथ है और मसूर सक्तु मंथ है. फिर मॉडर्न एस्पेक्ट में अगर देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉट इन्फ्यूज़न. हॉट इन्फ्यूज़न इज़ अ मेथड एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम सॉफ्ट नेचर ड्रग विथ वाटर सोल्यूबल एक्टिव प्रिंसिपल. यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर में हॉट वाटर के अंदर हम जो भी द्रव्य हमारे हैं वो मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं. फिर थोड़ी देर बाद जब उसके अंदर जो भी एक्टिव प्रिंसिपल है वो उसके अंदर मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, उसके बाद हम उसको फिल्टर करके यूज़ करेंगे. पर वो उसके अंदर जो भी एक्टिव प्रिंसिपल है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल कब होंगे, जब उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि वो वाटर में सोल्यूबल होंगे. अगर उसके अंदर जो भी अल्कोहल सोल्यूबल या फिर फैट सोल्यूबल कंटेंट होंगे तो वो वाटर में सोल्यूबल होने वाले नहीं हैं. तो जो भी हॉट इन्फ्यूज़न है वो हम उसी मटेरियल में अप्लाइड कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो भी एक्टिव प्रिंसिपल हमें चाहिए वो वाटर सोल्यूबल हो, ठीक है. तो ये वाटर सोल्यूबल प्रिंसिपल पर ये काम करेंगे, ठीक है. और इसका जो भी सेल्फ लाइफ क्या बताया गया है कि हमें इसको इंस्टेंट तुरंत ही यूज़ कर लेना है. तो आई होप कि आप सभी को फांट अच्छे से समझ में आ गया होगा. और जो भी मैंने श्लोक याद करने के लिए बोले हैं वो आप सभी लोग याद कर लेना, इसलिए आपको MCQ में हेल्प मिलेंगी. और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.